Hello, welcome back to my YouTube channel. I am Prajwal Durakkar and our today's discussion topic is nomenclature of derivatives of benzene. Previous video तक के हमने benzene के बारे में reactions देख लिए, structure of benzene देखा, K2LS structures वगैरह हमने पूरा draw कर लिए थे. तो अभी हमको उसको नाम देना है. तो नाम कैसे देते हैं? तो इसमें हमको mainly चार type के compound दिखाई दे रहे हैं. तो फर्स्ट मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में यानी क्या होगा कि मोनो यानी वन, एक सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन ऑफ वन बेंजीन रिप्लेस बाय वन फंक्शनल ग्रुप. ओके, अगर फर्स्ट अगर हम देखते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है, इसमें का कोई भी एक हाइड्रोजन, क्योंकि छह के छह हाइड्रोजन एटम ये एक जैसे है, आइडेंटिकल है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं. तो उस हाइड्रोजन को हटा के कोई भी एक फंक्शन सब्स्टिट्यूएंट लगाना, सब्स्टिट्यूएंट लगाना, इसको बोलेंगे हम मोनो सब्स्टिट्यूशन एंड मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. तो इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन हटके वहां पे बीआर लग रहा है. क्या लग रहा है? बीआर लग रहा है. तो बीआर यानी फर्स्ट हो गया ब्रोमो, और ये जो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है तो बेंजीन, तो सब्स्टिट्यूएंट को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद पैरेंट कंपाउंड दैट इज बेंजीन ऐसा लिखना है. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो बेंजीन. आई होप आपको समझ रहा होगा, क्योंकि हमने पिछले तीन से चार वीडियो हमने इसी पे देखे हैं, बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव्स पे ही देखे हैं. तो अगर फिर से अगर देखते हैं, अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहां पे नाइट्रो ग्रुप लगता है, सपोज इस हाइड्रोजन को हटा के यहां पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है नाइट्रो ग्रुप का, NO2 ग्रुप का, तो क्या बनता है? नाइट्रो बेंजीन. पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताएंगे, नाइट्रो बेंजीन. पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताएंगे और उसके बाद बेंजीन को लिखेंगे. बाद में अगर देखते हैं हम इसी में, तो स्ट्रक्चर बना, अगर हम ऐसा बनाते हैं कि बेंजीन और वन नंबर पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं CH3 एंड CH3. तो इस कंपाउंड का एक स्पेशल नेम भी है, जो जिसको हम बोलते हैं क्यूमिन आइसो, और इसी का नाम है आइसोप्रोपिल बेंजीन. तो वैसे कॉमन नेम क्या हुआ इसका? आइसोप्रोपिल बेंजीन. हमेशा आखिरी में हमने पेरेंट को रखा है और पहले सब्स्टिट्यूएंट को रखा है. तो आई होप आपको समझ गया होगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. तो अब हम लेते हैं सेकेंड, दैट इज स्पेशल नेम. आई होप मोनो समझ चुका है, मोनो खत्म होता हुआ हमारा. इसके बाद जो सेकेंड है वो है स्पेशल नेम. इसी को हम ट्राइवियल नेम भी बोलते हैं. तो स्पेशल नेम में क्या हो रहा है, जैसा इसी में मोनो सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा है, एक हाइड्रोजन को हटाएंगे हम और उसकी जगहों पे अगर OH लगाते हैं, तो इसको स्पेशल नेम है. आपको इसको लर्न करना होगा,
स्पेशल नेम्स को, तो ये बन गया है फिनॉल। क्या बन गया है? फिनॉल। इसी में अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं हम, और वहां पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके NH2 लिखते हैं, तो इसको स्पेशल नेम है एनिलीन। एनिलीन। इसी में अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH3 जो हमने प्रीवियसली देखा था मोनो सब्स्टिट्यूशन को, यहां पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट है जो कि है आइसोप्रोपिल, और ये जो बेंजीन है उसको बेंजीन लिख लेंगे। तो ये हुआ कॉमन नेम, और इसका स्पेशल नेम क्या है जो मैंने प्रीवियसली यहां पे ड्रॉ करके बताया था आपको, क्यूमिन। ओके, आई होप आपको समझ रहा है। सपोज अब एक हाइड्रोजन हटा के हम उसकी जगह पे लिखते हैं COOH, मीन्स ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको स्पेशल नेम है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, ये स्ट्रक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। बेंजोइक एसिड को हम बहुत से बार देखने वाले हैं। इसके बाद नाइट्राइल का स्ट्रक्चर अगर देखते हैं हम, CN अगर लगा देंगे तो नाइट्राइल, ऐसा बहुत सारे स्पेशल नेम्स है, तो ये आपको लर्न करना होगा। बाद में थर्ड अगर देखते हैं, थर्डली सी, दैट इज डाई सब्स्टिट्यूएंट्स। डाई यानी हो गए टू, तो दो सब्स्टिट्यूएंट अगर कोई कंपाउंड में मिलते हैं हमको, तो उसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लगाएंगे। ओके, टू और मोर देन टू, दोनों को हम एक साथ ही पढ़ेंगे, टू एंड मोर देन टू को। तो फर्स्टली टू को देखते हैं हम, मतलब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को देखते हैं। तो सपोज एक बेंजीन मॉलिक्यूल पे COOH और यहां पे BR लगा है, तो अभी हमने देखा था कि बेंजीन रिंग पे अगर COOH मॉलिक्यूल लगा है, तो क्या बोला था हमने इसको, बेंजोइक एसिड। और अब ये वाले स्ट्रक्चर में क्या हो गया है, बेंजोइक एसिड में यहां पे BR मॉलिक्यूल लग गया, तो इसको BR को हम सबसे पहले लिखेंगे, दैट इज ब्रोमो, पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2, 3, 4, 5, 6। ये पोजीशन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इन अ सेपरेट वीडियो। ओके, ब्रोमो, ये हो गया ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट का नाम, और बेंजोइक एसिड का यहां पे बेंजोइक एसिड लिख देंगे हम, दैट इज बेंजोइक एसिड। तो ये क्या हो गया, ब्रोमो बेंजोइक एसिड। इसी प्रकार इसके बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं हम। तो एक और एग्जांपल देखते हैं हम, अगर नाइट्रो ग्रुप लगा है, दो नाइट्रो ग्रुप लगे, सपोज एक बेंजीन मॉलिक्यूल को दो नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, तो सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो बेंजीन। अगर एक सब्स्टिट्यूएंट रहता था तो, और यहां पे क्या है, दो सब्स्टिट्यूएंट, तो ये हो जाएगा डाई नाइट्रो बेंजीन। आई होप आपको समझ रहा है। इसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर से टू और मोर देन टू अगर सब्स्टिट्यूएंट आपको देखने को मिलते हैं, तो सपोज एक जगह पे BR लगा है, एक जगह पे क्लोरीन लगा है, और एक जगह पे फिर से क्लोरीन लगा हुआ है,
तो इसका नंबरिंग हुआ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये हमारा नंबरिंग हुआ। और यहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में br पहले आया इसलिए हमने नंबर 1 इसी को दिया है, नहीं तो हमको 1, 2 ऐसा नंबरिंग देना स्टार्ट करना होता था। तो टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नाम लिखोगे तो सबसे पहले क्या होगा, 1-bromo। हमेशा याद रखिए नंबर और वर्ड जब लिखोगे उसके बीच में डैश होता है, और अगर नंबर नंबर है तो उसके बीच में कॉमा लिखते हैं। 2,3-dinitrobenzene, 1-bromo-2,3-dinitrobenzene। इस प्रकार से टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट वाले कंपाउंड को हम देखेंगे, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू।